गोवा में हम आए हैं और राजस्थान का ताजमहल कहा जा सकता है क्योंकि शेखावाटी अंचल में छतरियों का बहुत बड़ा प्रचलन है, लेकिन ये एकमात्र छतरी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मार्बल में बनी हुई है। सफ़ेद मार्बल में ये बनी हुई छतरी ताजमहल से कम नहीं लग रही। अगर साइड की हम दोनों तरफ जो गुम्बद है उनको दिखाते हैं तो ताजमहल का सा दृश्य आपको नज़र आएगा, लेकिन इसमें शिव मंदिर नीचे है, शिवालय है इसमें और छतरियों के बीच में शिवालय हुआ करता था। तो ये कैसे बनी, किसने बनाई, कब इसका निर्माण हुआ, इसके लिए ग्रामीण हमारे साथ हैं, ऋषि जी इनसे बात करते हैं। ये सर 2008 में बनी थी संवत में और सेठ हजारी मल नाथानी ने बनाई थी। जो एक राय बहादुर अभिषेक हुआ था शिवलिंग का, तो जो बाहर से सेंट मंगाई गई थी वो सेंट की जो कतार थी वो चलते चलते हमारे यहाँ से 500 मीटर दूर तक वो चली गई थी एक पानी की तरह, जो कि एक कोई मामूली बात नहीं है। और राय बहादुर इस टाइप के थे कि गांव में जितनी भी कुंड बनाए गए हैं पानी की पहले बहुत किल्लत हुआ करती थी, तो पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था करी इन्होंने। और जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब में इन ये राय बहादुर हजारीमल जी का आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धर्मशाला या पानी की व्यवस्था सब कुछ मिलेगी। अच्छा। इस टाइप का इनका बयान है। तो दूधवा अखाड़ा में अगर कोई भी आज के टाइम में कहा जाए तो राजा महाराजा दूधवा अखाड़ा के यही थे। ये सेठ हजारीमल जी नाथानी राय बहादुर की पदवी मिली हुई थी उनको, उनका निधन 1999 संवत में हुआ था। और ये उनका ये स्मारक 2006 में बन के तैयारी हुआ, उसमें श्रावण मास में इसका वो हुआ था, मतलब शुरुआत है। हाँ, और अभी 10-12 साल पहले यहाँ ये पौधे लगाए गए सेठों के द्वारा और आदमी भी रखा गया, लेकिन उसने वो सही काम नहीं किया। अब कोई भक्त लोग ही यहाँ काम करते हैं, उन्हीं की प्रताप से पौधे हरे भरे हैं। तो ये मार्बल में बनाने का जैसे उन्होंने बनाया, मार्बल में तो बड़ा मुश्किल से बनता है, क्या कहानी कुछ ध्यान है आपको? मतलब ये सेठ बहुत ही धनी थे और वो राय बहादुर की पदवी इनको गंगा सिंह से मिली हुई थी। अच्छा, उस समय मार्बल इधर आ नहीं रहा था, कोई पाबंदी थी, तो वो सेठानी ने कहा कि भाई सेठ तो गुजर गए, मेरा ये विचार है ऐसा कोई स्मारक बनाने का, तो मार्बल नहीं मिल रहा है हिसाब से, यह ताजमहल है। ताजमहल बस जी, तो इसको भी ताजमहल का नाम दिया जाता है। हाँ, कहते हैं। हाँ, तो लेकिन ये पत्नी के द्वारा पति के ऊपर बनाया गया। हाँ जी जी, तो ये ताजमहल भी है और पत्नी के द्वारा पति पर जो है स्मारक के रूप में छतरी बनाई गई। तो ये सुंदरता जो है वो आपको हमने दिखाई है और इस सुंदरता का आनंद जो है आप लीजिएगा। तो एक महीना हो गयो, सावन 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 सब भी आते हैं गीत गावा। Oh,
राजस्थान का ताजमहल कहा जा सकता है। एक ऐसी छतरी में हम आपको लेकर आए और यहाँ मार्बल में, प्योर मार्बल में ये बनी हुई छतरी आपको दिखाई। बहुत आनंद आता है जब हमारे यहाँ की धरोहरें इस प्रकार की, इतनी सुंदर धरोहरें होती हैं और उनका निर्माण यहाँ के भामाशाहों के द्वारा करवाया जाता है। तो आप इन धरोहरों को बचाते रहिए। अब दीजिए इजाज़त मेरे साथी रोहित चौहान को और मुझे डॉक्टर मनोज शर्मा को, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।